दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है तुहाडा एक होर नवी वीडियो दे विच। तो जिद्दां तुहानू पता ही है कि कश्मीर दा अपना 2023 दा टूर चल रहा है, जिहड़ा असी फैमिली दे नाल कर रहे हैं। तो अज जिहड़ा है उह तुहानू लै के जाना है शहर कश्मीर दे एक होर वधिया डैस्टीनेशन गुलमर्ग। गुलमर्ग जिहड़ा ये श्रीनगर तो पैंदा है नीयर अबाउट 60 किलोमीटर, ते रोड बहुत वधिया बनिया होया। थोड़ा जिहा टाइम जिहड़ा वो समस्या ट्रैफिक की जिहड़ी आउंदी है जदों असीं सिटी चों निकलना, पर उस तो बाद जिहड़ा रोड है बहुत वधिया। तो ज़्यादा गल्लां रस्ते दे विच करांगे। पहले असीं हुण इस वीडियो नूं शुरू कीता एक ढाबे तों जिथे असीं ब्रेकफास्ट लई रुके हां, क्योंकि होटल तो असीं जल्दी निकल आए सी ते हुण ब्रेकफास्ट करना है। तो उही गल जिहड़ी रोज़ हुंदी है वो अज भी हो गई है। साशा जिहड़ी है आकर्षण दा केंद्र बनी हुई है, साढ़े नाल ज़्यादा लोग साशा नाल फोटोआं करा रहे ने। तो आओ नाश्ता करते हैं तो लैके तुहानू चलते हैं गुलमर्ग। आराम से पकड़ा, कुछ नहीं करेगा। रस्ते जिथे असीं रुके हैं ये नॉर्थ मद्रास कोई कैफे करके है, पर मद्रासी असीं की खाना, असीं तो सिंपल पंजाबी पकौड़े बनवाए। सही है पकौड़े जी? हल्का फुल्का नाश्ता करके तो हुण असीं चल पए हां गुलमर्ग वल नूं। तो गुलमर्ग का जिहड़ा पहली झलक जिहड़ी उह सानूं दिखनी शुरू हो गई है। उपर पहाड़ां दे हले बर्फ हैगी है, तो मैनूं लगता भी जिहड़ा गंडोला राइड इत्थे चलदी है उहदा सैकेंड फेस उत्थे शायद सानूं बर्फ मिल जाए। तो गुलमर्ग बारे थोड़ी जी जानकारी तुहानूं दे दईए। जिद्दां मैं पहले भी दस्सिया कि गुलमर्ग जिहड़ा श्रीनगर तों पैंदा है तकरीबन 60 किलोमीटर दूर, तो ट्रैफिक थोड़ी होने करके शहर चो निकलद जो अद्धा पौना घंटा लगता उदा रस्ता जो 2 घंटे का है। तो रोड जोड़ा बहुत वधिया बनया, तुम दिखावे भी शहर के हो शहरों बहर के भी हो रस्ते सारे बहुत वधिया ने। तो जम्मू कश्मीर जो डिपार्टमेंट है जी सरकार है, वैसे तो शायद हम गवर्नर राज चल रहा इतने सरकार तक है नहीं, बहुत वधिया काम कर रहे हैं। टूरिस्ट का पूरा ध्यान रखते हैं, कोई इत्थे कोई पुलिस किसी तरह की कोई हरासमेंट नहीं करती टूरिस्ट नूं। बेफिक्र तुसी मतलब रूल्स नूं फॉलो करके तो किसी भी जगह पर भी तुसी घूम सकते हो। बहुत वधिया सिस्टम है, ऐसा कोई नहीं है कि कई बार असीं बाहरलियां स्टेटां च जांदे आ तो उत्थे प्रॉब्लम आती है कि पुलिस जिहड़ी है ना बड़ी बेवजह तंग परेशान करती है। श्रीनगर कश्मीर दे विच ऐसा कुछ नहीं है। तो जिद्दां जिद्दां गुलमर्ग लागे आंदा जा रहा व्यू जिहड़ा बहुत वधिया हुंदा जा रहा, तो मैं हुण कैमरा थोड़ा घुमाना तो तुहानू रोड भी दिखा दिंदा। जदों दे असीं श्रीनगर तो निकले हैं तो लगभग हर 5-7 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई पिंड कोई छोटे छोटे कस्बे जिहड़े ने आ रहे हैं। सड़कां वधिया ने जिद्दां मैं पहले दस्सिया, तो खाण पीन का भी जिहड़ा इंतजाम हर रोड ते हर जगह हैगा ही है। कोई ऐसा नहीं कि रस्ते दे विच चाह नाश्ता लंच करने लई हर चीज़ हैगी है। जगह जगह पर जिहड़े पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं, पेट्रोल पंप वो जिहड़े टाइम टू टाइम जिहड़े वो भी आ जा रहे हैं। ये मैं जिहड़ी गल कर रहा सी कि जून महीना चल रहा है तो हले भी जिहड़ी उपर पहाड़ों के उपर जिहड़ी है वो बर्फ हैगी है। तो एवें नहीं कश्मीर नूं जिहड़ा स्वर्ग कहिंदे, जिहड़ियां चीज़ां मतलब असीं उत्तर भारत वाले जिहड़े लोग आ स्पेशली पंजाब हरियाणा राजस्थान जिहड़ा ये लोगों लिए तो सुपना ही है। तो ये जदों असीं उत्थे तपदी दुपहरां दे विच सड़दे हुंदे आ ते अज देख लो कश्मीर दे विच हुण भी पहाड़ां ते बर्फ है, तो टैंपरेचर भी जिहड़ा 20-22 दे करीब है। तुसीं देख लिया हुण जिद्दां मैं पहले गल कर रहा सी कि सिर्फ टैक्सियां नूं जिहड़ा पुलिस चैक कर रही है, टूरिस्ट की जी प्राइवेट वहीकल है उन्होंने कोई रोक टोक नहीं है। एको बारी जी एंट्री ते चैकिंग होंगी उस तो बाद कित यह नहीं कि बार बार तंग परेशान करते हैं। ये है कि टंग वर्ग कारपोरेशन की पर्ची एंट्री कह सकते हैं, टोल भी कह लो, तो 50 रुपये लगे हैं, पिछली बार 75 लगे से मैं आइडिया है। तो हूँ इतने शुरू होना व्यापार कारोबार, जोड़े लोकल इतने लोग ने वो गाइड बन के इतने जेडे इन्होंने बार बार गड्डिया रोकनिया ने।
कि हम आपको इतने पॉइंट घुमा देंगे, वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, हमारे साथ जाओगे तो अच्छा दिखेगा। तो ये चीज़ा हुण शुरू होनिया ने, तो आओ पहले देखिए इस बारी को सानू रोक रहा है कि नहीं। ये है जी तनमर्ग का अड्डा, जहाँ सामने जिहड़ियां तुसीं देख रहे हो गड्डियां, इहदे च इक टूर कराउंदे आ 2 किलोमीटर का। तो अपना प्लैन हैगा सीधा गुलमर्ग जाण दा, असीं तो उधर नूं जाणा है। सिक्योरिटी देख लो तुसीं, चप्पे चप्पे ते जिहड़ी पुलिस BSF CRPF जिहड़ी तैनात है, कोई डर खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं। श्रीनगर की जिहड़ी धारणा लोगों च बनी है, वो मेरा ख्याल है कि हुण निकल जाए तो अच्छी गल है। ये बड़ा गलत काम है भी, देखो एडवेंचर करना चंगी गल है, पर इदा का रिस्क लेना भी इदा के इलाके च माड़ी गल है ना। आप रोक के इन्हों इशारा करते हैं भी रिस्क ना हो यार। वैसे तो गड्डी भी हिमाचल प्रदेश की है, पहाड़ी इलाके तुम रहने वाले हो, इदा कि तुम देखिए। लो जी पहुँच गए आप गुलमर्ग। स्वागत है जी, थोड़ा धन्यवाद जी स्वागत कर ली। हलो जी, पहला व्यू गुलमर्ग का। लो जी गुलमर्ग आ गए, तो लग गई अगे मंडी, पार्किंग तो पता लग ही गया होना रश कि गड्डी आपां नूं इत्थे लाने पैनी पार्किंग दे विच, अगे तो जाने। हाँ जी, तो ये है जी पहला व्यू गुलमर्ग का। तो गुलमर्ग तुहानूं दस दें कि कुछ वैसे इन्हां चीज़ां दे विच ना फर्क नहीं हुंदा, सिर्फ एक अलग अलग नाम दीआं डेस्टिनेशन जिहड़ियां हुंदियां ने। जिदां तुसीं कल देखिआ पिछले व्लॉग दे विच कि असीं सोनमर्ग गए सी, सोनमर्ग दे विच वी जिहड़ी एक चीज़ कॉमन हुंदी है, मैं तुहानूं दिखाना, मेरे पिछे तुसीं देख रहे होणे हो, जिहड़ी होर्स राइडिंग है, ये हर जगह ही कॉमन है। इत्थे तुसीं गुलमर्ग चले जाओ, तुसीं पहलगाम चले जाओ या सोनमर्ग चले जाओ, हर जगह तुहानूं जिहड़ी आ होर्स राइडिंग वो मिल जाती है। और इहदा मेन जिहड़ा कारण है, आ तुसीं देख रहे होणे हो सारे जिहड़े घोड़े आ, ये एक्चुअली ये इन्हां दा बिजनेस कह लो, रोज़गार कह लो, क्योंकि हुण तुसीं कल भी देखिआ होणा कि जिहड़े असीं सोनमर्ग गए सी तां उहदे विच वी जिहड़ा वो एक पक्का रस्ता भी जिहड़ा वो बणिआ होया, पर फिर भी जिहड़ा उत्थे होर्स राइडिंग हुंदी आ, क्योंकि जिहड़े लोकल्स हैगे ने यही इन्हां नूं जिहड़ा ये रोज़गार दिंदा। तो वैसे गल तो अच्छी है, वैसे सरकार चाहे तो जे इत्थे तक जो सड़क आई है तो सड़क अगे भी जा सकती है, पर एक नैचुरल जिहड़ी ब्यूटी है इस चीज़ की, वो होर्स राइडिंग दे नाल होर वध जांदी है, इस करके जिहड़ा इन्हां चीज़ां नूं हले तक बचा के रख्या होया, क्योंकि जे सारा काम गड्डियां ते ही हो जाएगा तो फिर जो कुदरती जिहड़ियां चीज़ां ने, कुदरत ने बनाए रस्ते ने, उन्हां ते असीं जे गड्डियां नाल जाइए तो मैनूं लगता वो मज़ा नहीं आता जो नैचुरल वे नाल ट्रैकिंग करके जां होर्स राइडिंग नाल आउंदा। मैंने याद है जो लास्ट ईयर मैं आया सी तो उदू जिहड़ा होर्स राइडिंग मैं ऑलरेडी जिहड़ा कर चुका, तो ये जिहड़ियां चीज़ां दिखाते हैं मैं तुहानूं इत्थों दिखा दिंदा। सब तो पहले इन्हें जाना पिछे मंदिर, मंदिर तुहानूं दिख रहा होना है, तो ये कुछ तुहानूं याद भी कराएगा, एक पुरानी फिल्म का गाना है जय जय शिव शंकर, राजेश खन्ना जी का, हाँ राजेश खन्ना जी का एक गाना है, वह सारा जिहड़ा इत्थे शूट होया। तो इस तो बाद जिहड़ा ये जिहड़ी होर्स राइड है सीधा उपर जाती है, उपर जिहड़ा राजा हरी सिंह का एक महल बनया होया, तो उत्तों निकलते हुए कुछ शूटिंग पॉइंट्स ने जिते मिशन कश्मीर की 2-4 जड़े सीन ने शूट होए ने, तुसी मेरे पिछले साल की जिहड़ी कश्मीर सीरीज है उहदे विच जाके देख भी सकते हो। वह सारा जिहड़ा इत्थे हले भी जिहड़े 1-2 घर हैगे ने जिहड़े बॉम्ब ब्लास्ट दे विच उड़दे ने, वह हले भी उदा ही एज इट इज़ इन्हां रखे ने। उस तो पिछे जिहड़ा इन्हां दी गोल्फ ग्राउंड है, और उस तो बाद कुछ होटल्स दे विचों निकलदे होए फिश फार्मिंग हुंदी है, कुछ छोटी जी मार्केट पिछे बनी हुंदी है, वो होर्स राइडिंग करके इधर पिछे जिहड़ा जाके गंडोला राइड है जिहड़ी जिहनूं असीं केबल कार भी कह दिंदे आ, वह फस्ट जिहड़ा उहदा स्टॉपेज है वह फस्ट एंड सैकेंड स्टॉपेज जिहड़ी उहदा टिकट काउंटर है, सब कुछ इधर बनया होया, इत्थों होके तो लास्ट इस पॉइंट के उपर आके होर्स राइड जिहड़ी खत्म हुंदी है। तो होर्स राइड का जिहड़ा रेट है वह जिदा सोनमर्ग दे विच सी 1500 ही है, असी जिहड़ा थोड़ा लेट हो गए हैं, तुसी गड्डियां देख ही लिया होनी मेरे अगे पिछे, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ने, तो वैसे अज दिन जिहड़ा है वह बुधवार है, इस करके इन्ना रश जिहड़ा मैनू दिख रहा है, और असी आसानी नाल शायद पहुँच भी गए हैं, जे ये वीकेंड हुंदा तां इत्थे ना तो गड्डियां दी पार्किंग मिलती है तो ना ही पहुँचने लई जल्दी कितने रस्ते मिलते हैं। तो जो तुसी भी आना है तो अर्ली मॉर्निंग जिहड़ा निकलियो, असी लेट हो गए सी, असी 9:15 बजे निकले हैं, तो इत्थे आउण दा फायदा तां ही है जे असी घर
रूम के छे तो सत्त बजे जरा निकल जाइए तो दो तो ढाई घंटे का जो सफ़र है वो आराम हो जाता है। जे तुम नौ बजे या इस तो बाद निकलते हो तो फिर तुम्हें चार तो साढ़े चार घंटे लगने ये नॉर्मल जी गल। ये पार्किंग के पिछे जी सारी मार्केट है जिद हर तरह की जी सहूलत है। ये पब्लिक टॉयलेट्स भी बने हुए हैं। खाण पीन का जो समान है ये सारा इतने हैगा। कोई इदा की कोई गल नहीं हैगी जिदा सोनमर्ग के जी मुश्किल जी सू सोनमर्ग के आई थी कि खाण पीन का समान थोड़ा जोड़ा वो घट से उत्थे सिर्फ मैगी और चाह से इतने तकरीबन तकरीबन सब कुछ हैगा। तो इतने नाल दी नाल तुहानू एक चीज़ होर दस दें कि इस पार्किंग दे विच तुहाडी गड्डी जिहड़ी रुक जाती है इस तो बाद तुहाडी गड्डी अंदर तां ही जानी है जे तुहाडा नाइट स्टे इत्थे है तो तुहाडी होटल बुकिंग की तुसीं ऑलरेडी कीती हुई है। जे तुहाडी होटल बुकिंग नहीं है तो तुहाडी गड्डी इत्थे ही पार्क होएगी जां तुसीं होर्स राइडिंग करके जाओगे जां तुसीं पैदल जिहड़ा ट्रैकिंग भी कर सकते हो। बंदा नहीं छड़दा भी साथ छड्डा। मैं दस्या भी आपां सिटी टूर नहीं लैणा आ जिहड़ा टूर जिहा कराउंदे आ होर्स राइडिंग दा पर फिर भी पिछे ही आ भी यार कुछ तां लै लो असीं भी उम्मीद तां ही आ। मैं दस्या कि असीं सिर्फ ना गंडोला राइड पर जाना तो कह रहे कि चलो गंडोला राइड ले यार होर्स लै ले है तो लग ही है। मैं तो सोच रहा पैदल चलते गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इस करके हूँ आप कर लिया ऑटो 2 किलोमीटर है पैदल जाना थोड़ा गर्मी करके मैं चेंज कर लिया प्लैन। सोचा तो सी कि पैदल जावे पर हूँ असं जा रहे हैं ऑटो से। ऑटो वाले ने लिया जी अपने को 300 रुपया सारे का सारे लोग जा रहे हैं 300 जी। बैठो बैठो कल भी जी अपनी सवारी गंडोला राइड वाल एक ही ऑटो च सवार हो गए अस सारे असि अपने एरिए 3 सवारियां बहन गया इतने इन्होंने भर लिया सारा। चलाओ जी देखते हैं टिकट मिलती कि नहीं। वैसे जिन्ना मैं पता लगा कि ऑनलाइन बुकिंग होंगी 2 दिन पहले हूँ जाने का कोई फायदा नहीं पर फिर भी आप ट्राई कर लें। पिछली साइड से ऑनलाइन वाले की तो सामने काउंटर है जिते ऑन द स्पॉट टिकट मिलती है शायद उत्थे स्लॉट अवेलेबल हो जब मिलता तो फिर चेक कर लें कोई ट्राई कर लें तो नहीं तो फिर नॉर्मल टूर कर दें गुलमर्ग का। तो प्लैन बी असी ले लिया क्योंकि हॉर्स राइडिंग कर ली सी कल तो अज असी कर रहे हैं गुलमर्ग के ऑटो राइड का सारा पैकेज कर लिया भी भाई जरा सारा एरिया तुम्हें घुमाना और ये नवी चीज़ मैं भी देखी है लास्ट ईयर ये नहीं सी। ऑटो की ऑप्शन अच्छी है क्योंकि घोड़े के ना हर एक का बैठना कंफर्टेबल नहीं होंगे तो जिदा मैं पिछले ब्लॉग के दसिया भी है कि थोड़ा जहा ना मैं अच्छा भी नहीं लगा। वैसे ये रस्ते साफ ने जोड़े सोनमर्ग तो पहलगाम के रस्ते जिस होर्स राइडिंग होंगी वो थोड़े खराब ने इतने तो सड़क बनी हुई है जिते होर्स सारे लंघ रहे हैं। तो आओ फिर अज गुलमर्ग के करते हैं ऑटो राइड क्यों भाई। हाँ सर जी हाँ जी आ रहा पता पूरा 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 ज्योति चौंक वाल कड़ ली इन्हू कह दिए मिलते पहलगाम में मिलती वहाँ पे यहाँ से कमरे में बंद होते हैं निकलते हैं पहलगाम से। ओके अच्छा वैसे घोड़े मजा भी नहीं आना जो ऑटो जा रहे हैं एक्चुअली हों पता कि घोड़े जो अगे पिछे हो जाते हैं तो आप अलग अलग हो जाने गल कर मजा मजा जहा नहीं आता क्यों यूट्यूब पे आ जाएगा सर आएगा आएगा आपको लिंक देगा सर हम लोग उनको भी लिंक कर देना। इतों आइडिया ला सकते हो भी टूरिस्ट किन्ना क्या यहाँ का लोकल पिकनिक स्पॉट है लोकल चिल्ड्रन पार्क बच्चे बच्चे आते हैं पिकनिक पे अपना लंच वाच सारा इधर ही करते हैं पर असी पहले जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी गार्डन स्ट्रॉबेरी गार्डन आ गया स्ट्रॉबेरी वैली। स्ट्रॉबेरी रहेगा यहाँ पे क्या भी नहीं स्ट्रॉबेरी भी नेक्स्ट महीने में अगले महीने में तो अपन लोग रुकते हैं ना एक महीना रुकते हैं यहाँ 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 नीचे यहाँ गांव में आज तैयार है लेकिन यहाँ पर ठंडा मौसम के कारण से लेट ही निकलते हैं लेट निकलते हैं। हाँ आज फेंसिंग के पीछे पीछे तो पर्पल कलर के फुल दिख रहे हैं ये सारी वैली जी है स्ट्रॉबेरी वैली गेट लगता है इसका जब इसकी स्ट्रॉबेरी तैयार हो जाएगी तो आपको टिकट लगेगा 20 रुपए अंदर जाने का देखने का स्ट्रॉबेरी देखने लेकिन आप काट नहीं सकते हो देख सकते देख सकते तोड़ नहीं अगर सकते आपको खरीदना होगा तो ये सामने में शॉप लगता है उस टाइम पे आप शॉप से खरीद सकते हो। तो
एक मैं आंदे ऑटो वाले ने गल कर ली सी कि भाई लैके उस जगह जाना है जिथे रश ना होए ते जिथे सिर्फ असी कल्या ही अपनी फैमिली दे नाल इंजॉय कर सकी है। तो सही जगह ले आया, स्ट्रॉबेरी वैली है सारी, मैं लास्ट टाइम तो देखा ही नहीं सी यार, बड़ा वधिया व्यू पॉइंट है, अच्छी अच्छी जगह है। तो ग्लेशियर भी, जेडे ग्लेशियर भी सामने दिख रहे ने, वो पिछे ग्लेशियर है। साशु मजे लै रही, साशु नू अजीब लग रहा यार, मेरा फैन नहीं को दिख रहा है, फैन फॉलोइंग घट गई है। अरे पकड़ो, ब्रेक लगते हैं, फोटो सैशन शुरू। भागो 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 भागो, ध्यान से, अरे ध्यान से कहाँ जा रहे। वैसे ये जड़ा कोना है गुलमर्ग का, ये मैं भी पहली बार देख रहा, और ज़्यादातर जेडे होर्स राइडिंग कराते ने वो इधर लियांदे भी नहीं, ज़्यादातर दो चार जिहड़ियां डेस्टिनेशन उत्थे लागे लागे हैगियां ने उधर घुमा के ते तुहानू लै जांदे ने वापस। तो कोशिश करो थोड़ा जिहा नवीं जगह नू एक्सप्लोर करन दी, मैं भी उही ट्राई कर रहा, नवा तरीका ते नवी जगह। ये हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए है कि जिहड़े रस्ते असीं आ गए हाँ उस रस्ते नू छड्ड के नवें एडवेंचरस जिहड़े रोड्स ने उधर जाया जाए, क्योंकि जिहड़ी जगह देख चुके हैं उहनू दुबारा देखण दा की फायदा ना। तो नवीं नवी जगह देखिए, नवी जगह एक्सप्लोर करिए, तो तुहानू भी दिखाइए जगह जगह जिहड़ा रुक रुक के तस्वीरकारियां हो रही हैं, एक जगह लंघती है तो दूसरी उतो भी वधिया लगती है। सिर्फ साशु है जी नहीं थक रही, बाकी सारे थक गई, क्या थक गई। ओ नीचे से चल के आए हैं तो इन्हें को उपर आते जरा। तो गुलमर्ग के महंगे महंगे होटलों तो अलहदा एक साइड से स्ट्रॉबेरी वैली के कोल छोटे छोटे हट्स भी बने हैं, पर इन्हें ऑनलाइन बुकिंग होंगी है तो किराया भी जरा 1200-1500 रुपया। होटल जोड़ा इतने कोई भी 1500 रुपए तो घट नहीं है। तो ऑनलाइन जम्मू कश्मीर टूरिज्म की वैबसाइट पर जाओ तो यह बुक करो, एक तो नेचर के कोल तुम रात बिताओगे तो दूसरा पैसे भी चार बचा लोगे। एकदम, अरे कहाँ पहाड़ पे चढ़ गई तू, आ जाओ आ जाओ। अरे अरे पीछे पीछे पीछे, वो तो तेरे को खींच के लेके जाएगी। मैडम क्यों उदास हो गए, वापस आओ। हाँ जी, तो दोस्तों रस्ते दे विच सेकंड पॉइंट साडा आया चिल्ड्रन पार्क गुलमर्ग। चिल्ड्रन पार्क स्कूल दे बच्चे ने इत्थे काफ़ी, तो काफ़ी वड्डा पार्क है, मैं तुहानू दिखाना। तो अंदर आंदे ही जिहड़ा है वह साशा दे फैन जिहड़े, हैलो साशा दे फैन मिल गए ने, बच्चे ने तो बच्चे फिर लाइक करते ही ने, ये हर जगह ही हुंदा, साशा जिथे भी जाती है सारे इनू पसंद भी करते ने, तो फोटो भी हो रही हैं। लो जी हो गया काम शुरू, तो लग गया रौनक। एंट्री चिल्ड्रन पार्क गुलमर्ग की, एंट्री फ्री है, तो स्कूल के बच्चे काफ़ी ने, पहले पानी दी बोतलां बाहरों लै ली, अंदर पता नहीं पानी मिलता कि नहीं, तो बच्चों के एक्सप्रैशन तुसी देख रहे हो। मैंने पहले लगा सी कि एंट्री फ्री है, पर नहीं, तीन अडल्ट ते दो बच्चों की असी टिकट लई है 50 रुपए की, तुम दिखा दिए तो आओ, टिकट हो गई अपनी, चलिए चिल्ड्रन पार्क। किसी स्कूल के बच्चे ने, बच्चों लग्या सी भी कुछ वधिया एक्टिविटी होनी है पार्क के, पर सिर्फ पार्क ही है। तो तुम्हें पता ही है भी जिहड़ी जगह असीं रहिंदे आ जलंधर पार्क कैंप के, साढ़े घर के सामने बड़ी वड्डी पार्क है, तो झूले वगैरह है बट ठीक है, इन लोगों लिए जिहड़े एरिया दे विच हैगे ने, पहलगाम दे विच, गुलमर्ग दे विच, सोनमर्ग जिहड़े एरिए ने, उन्हां दे विच इदां दीआं जिहड़ीआं
ਪਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੈੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਲਓ ਹੋਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲੈ ਲਓ ਹੈਂ ਚੋ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ ਨਾ ਚਲੋ 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 ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 20-25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰੈੱਸ ਦੇ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 150 ਰੁਪਈਆ ਜੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰੈੱਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਸੋਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਣਗੇ ਕੈਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ DSLR ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਿੱਧੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਰਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਡਰੈਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਸ਼ੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਡੋਗੀ 4-5 ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਆਏਗਾ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਕਾਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਤੀ ਹੈ ਸਾਸ਼ੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋ ਗਈ ਰੈਡੀ ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਰੇ ਵਾਹ ਅਭੀ ਰਿਧੂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਉਹ ਕਿਆ ਘੁੰਮਰੋ ਘੁੰਮਰੋ ਆਪਕੋ ਵੀ ਲਾਏਂਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਸਬਕੋ ਕਿਆ ਬੋਲੇਂਗੇ ਗੁਲਮਰਗ ਸੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਤੋ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਕੁਛ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲੇ ਹੈ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਕੁਛ ਯੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਓ ਨਾ ਬੂਮਰੋ ਕੌਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਅਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੋ ਉੱਪਰ ਟੋਪ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਜਾ ਪਾਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ
और ग्लेशियर दे अगे भारत की शान झूलता होया साडा तिरंगा झंडा। तो लंच भी जा चलेगी गुलमर्ग की बिरयानी ऐसी हवाई जान बस गुलमर्ग च आ गए अपनी भाषा भी बदल गई है भाजी नु भाई जान मिलेगा सब कबाब मिलेगा गुलमर्ग चल रही बिरयानी की दावत ऑटो च फीलिंग अलग आ रही ना। तो हुण तुहानू दिखा रहे हैं जी गुलमर्ग का बिल्कुल बैक साइड वह कोना जिहड़ा कोई टैक्सी वाला तो कोई घोड़े वाला नहीं दिखाता। तो ये जिहड़ा देखना ता ही पॉसीबल हो पाया साढ़े ड्राइवर भरा करके। बस 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 रुक दो और यदि खासियत है ये जो तुसी सामने देख रहे हो ये असी गुलमर्ग के टॉप पर आ गए हैं। वो जिहड़ा सारा तुहानू शहर पिछे दिख रहा है तो ये मैं जूम इन करके दिखा देना वो सारा जिहड़ा नीचे देख रहा डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा बारामूला है। तो ये हाइट तुसी एक बारी चैक करके देखो भी हाइट किन्नी है जूम आउट करके देख दो। लो जी हिल क्लाइंबिंग हो रही है। एक्चुअली एक व्यू पॉइंट बनया हुआ जिसके उपर असी कुछ यादगार फोटो लेनिया सी उस करके असी उत्थे उतरे हैं। तो ऑटो वाला जिहड़ा साडा वो घूम के इधर आएगा असी पिछे जावांगे। हुण अशर मिल गया कोई साथी इतों तुहानू आइडिया हो जाना कि वो जिहड़ा पॉइंट है लास्ट उत्थों असी चले सी ये सारा वैली घूम के ये पिछों हो के तो असी आ गए इधर। तो हूँ इतों इसे रोड तो जोड़ा असी जाना है वो सामने मंदिर वाल मंदिर जोड़ा शूटिंग पॉइंट है जितने तुम पहले भी दसिया कि फिल्म एक दो की शूटिंग हुई है उस तो पहले शायद असी देखना है महाराजा हरी सिंह का महल। तो देखते हैं पहले किधर जाते पहले साडा ड्राइवर आ जाए। तो इस जगह के उपर जोड़ा वो टैंपरेचर ज़्यादा नहीं तो 5 to 7 degrees जोड़ा वह घट गया क्योंकि थोड़ा हाइट भी वध गई है। तो हाइट वधन के नाल नाल थोड़ा जहा पेड़ लगे हुए हैं तो छां दे विच तुहानू पता भी टैंपरेचर जिहड़ा घट ही हुंदा। सासु नहीं साह लैंदी भी हुण फैमिलियां जिहड़ियां रुक रुक के सासु नाल फोटो लै रही हैं। तो वह है साडा लास्ट पॉइंट जिहड़ा एक हिंदू टैंपल है जिहड़ा महाराजा हरि सिंह जी ने बनाया सी। ते उत्थे ना जाण दा जिहड़ा कारण है वह ये है कि पौड़ियां ने 150-200 पौड़ी है तो वो चढ़ के जाना पैना तो बच्चे काफ़ी टायर्ड ने थक गए ने इस करके असी दूरों ही जिहड़ा वो जो दुआ सलाम करनी सी वो कर ली है। तो अज दे गुलमर्ग दे जिहड़े वलॉग नू हाँ जी तो अज दे इस गुलमर्ग दे वलॉग नू इत्थे ही जिहड़ा विराम दिंदे आ करदे आ खत्म। तो जुड़े रहो अपने फेवरेट चैनल ट्रैवल बादशाह कीमती केसर दे नाल। तो कोशिश करता रहांगा कि इदा ही यादा जिहड़ियां ने इकट्ठियां मैं अपनियां भी करता रहा तो तुहानू भी जिहड़ा वो दुनिया घुमांदा रहा। ये जिहड़ा कश्मीर का टूर है ये साडा भी एकदम प्लैन होया सी क्योंकि लास्ट मंथ जदों गोवा तो मैं आया तो उस तो बाद प्लैन सी कि हिमाचल जावांगे पर फिर एक माइंड दे विच आया कि हिमाचल जिहड़ा सारा बच्चे भी घूम चुके ने तो मैं भी सारा तकरीबन जिहड़ा वो देख ही चुका। तो हुण प्लैन ये कि नहीं यार कश्मीर चलते हैं बच्चों ने कश्मीर का सोचा होया सी ते कश्मीर की यात्रा साड़ी चल रही है। 2-3 लोग जिहड़े ने वो हले और आउणगे पहलगाम जाना असी एक दो जिहड़ी डेस्टिनेशन इत्थे हैगी है वह भी असी जाने की प्लैनिंग कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों जुड़े रहो मिलते हैं अगले व्लॉग दे विच गुड बाय।